मोहतरम बुजुर्ग भाई दोस्तों, अल्लाह ताला हर बंदे के साथ मोहब्बत फरमाए देंगे, लेकिन दीन का काम दावत का काम अल्लाह हर एक से नहीं लेता। दीन के काम के लिए, दावत के काम के लिए अल्लाह बंदों में से छांटते हैं, मुंतखब फरमाते हैं और उनसे दीन का काम लेते हैं। दुनिया तो अल्लाह हर कसो नाकिस को अदा फरमाते हैं, इसलिए कि जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा। फरमाए सारी दुनिया की कीमत अल्लाह के सामने मच्छर के पर के बराबर की होती तो अल्लाह अपने नाफरमान के घुंड पानी भी नहीं देते। तो दुनिया तो बेकीमत है, अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया से बचाते हैं जैसे हम लोग जमात को पानी से बचाते हैं। अल्लाह नाफरमान को दुनिया को फैला देते हैं और नेक बंदों को दुनिया से बचाते हैं। तो दीन का काम दावत का काम अल्लाह हर एक से नहीं देते। दीन के काम के लिए, दावत के काम के लिए अल्लाह बंदों में से छांटते हैं, मुंतखब फरमाते हैं। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं, सब्जी को छांट लेते हैं, कपड़े को छांट कर लेते हैं, वैसे अल्लाह ताला दीन की मेहनत के लिए, दावत के काम के लिए बंदों में से छांटते हैं। ये सारा मजमा अल्लाह ने छांटा है दीन की मेहनत के लिए। आप सब हजरात खुशकिस्मत हैं, आपका इंतखाब हुआ है नबी वाले काम के लिए, दावत के काम के लिए। इस पर हमें अल्लाह का बहुत शुक्र करना है। हालांकि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले, हमसे ज्यादा माल वाले हमारे बस्तियों में बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह का हम पर करम हुआ है। फरमाया इस काम में लगना ये हमारा कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह का हम पर करम हुआ है, अल्लाह का फजल हुआ है। आदमी काम करता है उससे कराया जाता है, आदमी बैठता है उसको बैठा दिया जाता है। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जिससे चाहे, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, न किसी के इल्म का, न किसी की सलाहियत का, न किसी के माल का, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह बेनियाज है, हम सारे के सारे मोहताज हैं। तो अल्लाह ने जिसको दीन की मेहनत के लिए कबूल किया, दावत के काम के लिए कबूल किया, उसको इस पर बहुत शुक्र करना है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि दावत के काम में जिसको अल्लाह ने लगाया उस पर शुक्र करना वाजिब है। नबी वाले काम के लिए अल्लाह ने कबूल किया है, ये दावत का काम मामूली काम नहीं। इसके लिए तो अल्लाह ताला ने पाक मासूम बंदों को भेजते थे, हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, जो पाक और मासूम होते थे, हर वक्त फरिश्तों की हिफाजत में रहते थे, अल्लाह उनसे दीन का काम लेते थे। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बरकत से इस उम्मत को कारे नबूवत मिला है, इसलिए उम्मत अफजल उम्मत है, इसलिए उम्मत बेहतरीन उम्मत है। इस उम्मत को इसलिए निकाला गया, छांटा गया, इस उम्मत को अल्लाह ने छांटा निकाला इसी काम के लिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर वतूमिनून बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम अफजल उम्मत हो। तुमको निकाला उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिल मुस्लिमीन, ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तो उखरिजत लिल तिजारत ने, तो खरीजत की जरात ने, तो खरीजत हुकूमत ने, बल्कि इस उम्मत को निकाला है इंसानियत की नफा रसानी के लिए और इंसानों को भले कामों का हुक्म करना, बुरे कामों से मना करने के लिए इसका उम्मत को निकाला गया है। इसलिए हजरत सहाबा जब दीन की दावत को लेकर इलाकों में मुल्कों में गए तो लोगों ने उनसे पूछा तुम कहां से आए, तो सहाबा ने अपना तारुफ कराया, हम आए नहीं, हम तो भेजे गए हैं ताकि बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की गुलामी में ले आए और दुनिया की तंगियों से निकाल कर, बातिल मजाहिब की तंगियों से निकाल कर इस्लाम के अदल व इंसाफ की वसतों में लाने के लिए दुनिया के अंदर भेजे गए। सहाबा ने तारुफ किया और सहाबा फखर से फरमाते थे नहनु रसूल और रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के कासिद है, अल्लाह के रसूल के रसूल है, कासिद है। इस्लाम कबूल करो, सलामती पाओ, कलमा पढ़ो, कामयाब हो जाओ। सहाबा फखर के साथ फरमा और सहाबा फरमा देते हम जैसे हो जाओ, हमारे जैसे हो जाओ। हमने जनाब रसूलुल्लाह की सोबत में रहकर एक रंग इख्तियार किया, एक जिंदगी इख्तियार की है, तुम इसको अपना लो, कामयाब हो जाओ। हजरत सहाबा ने अपना दारो, हम आए हैं तो भेजे गए दुनिया के, जैसे नबी भेजे जाते थे उम्मत भेजी गई दुनिया के, और इसलिए भेजी गई है ताकि खुद भी इबादत करे, अक्वाम आलम की इबादत कराए,
खुद भी दीन पर चले और अकवाम आलम को दीन पर चलाए, इसलिए उम्मत भेजी गई। लेकिन दीन की मेहनत छूटने की वजह से, दावत का काम न होने की वजह से आज उम्मत अपने मकसद हयात को भूल गई, मकसद जिंदगी और जरूरत जिंदगी में कमी खत्म हो गई। एक नुकसान यह हो गया कि आज उम्मत अपने मकसद जिंदगी को पहचानती नहीं, जरूरत जिंदगी और मकसद जिंदगी की तमीज खत्म हो गई, और दूसरा अपने खैरख्वाह और बदख्वाह की तमीज खत्म हो गई कि हमारे खैरख्वाह कौन बदख्वाह कौन उम्मत जानती नहीं, दुनियादारों की मुझे उम्मत चल रही, ये तो हमारे बदख्वाह है। इस उम्मत को उलमा के पीछे चलना है, उलमा हमारे खैरख्वाह है, उलमा तो अंबिया के वारिस है, इस उम्मत को उलमा के पीछे चलना है। लेकिन आज उम्मत कहाँ चल रही है, किन के पीछे चल रहे हैं, बेदीन फासिक फाजिरों के पीछे चल रहे हैं, दुनियादारों के पीछे चल रहे हैं। बदख्वाह और खैरख्वाह की तमीज खत्म हो गई, उम्मत जानती नहीं हमारे खैरख्वाह कौन है, हमारे बदख्वाह कौन है, हमारे जरूरत जिंदगी क्या, मकसद जिंदगी क्या है, उम्मत इसकी तमीज खत्म हो गई। खाना कमाना बच्चे पालना ये तो हमारी जरूरत है, ये हमारा मकसद नहीं, ये तो घर पर भी कर रहे हैं और जानवर बच्चे पाल रहे कौन सा कमाल कर रहे हैं। बीच रास्ते के अंदर कुत्तियां हर साल 6 बच्चे पालती है, हमने भी 60 साल में 2 बच्चे पाले कौन सा कमाल कर रहे हैं। कोई बेदी नाफरमान नंबर 1, तो हम मकसद जिंदगी जरूरत जिंदगी तमीज खत्म हो। इस उम्मत का मकसद सिर्फ अपनी जात से इबादत करना नहीं बल्कि अकवाम आलम को इबादत करना, अपनी जात से दीन पर चलना, पूरी इंसानियत को दिन पर चलाना। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुरोध की बरकत से इस उम्मत को कार्य नबूवत मिला, इसलिए अफजल उम्मत है, बेहतरीन उम्मत है। और हर जमाने में अल्लाह ने दावत के काम को चला, कोई जमाना दावत के काम से खाली नहीं। इसलिए फरमाया एक है दावत का मकसद मकसद कार और एक है तरीके कार। काम करने वालों को मालूम होना चाहिए इस काम का मकसद क्या है, मकसद एक कार दावत का मकसद क्या है, मकसद एक कार और एक है तरीके एक कार। तरीके कार बदलता रहेगा जमाने में, तरीके कार मकसद नहीं। हजरत मौलाना गियास साहब पर अल्लाह ताला ने इस जमाने के दीवार से ये दावत का तरीका इल्हाम फरमाया, इस वक्त पहले नहीं था और आगे भी नहीं, क्या पता अल्लाह बेचर जाता कौन सा तरीका होगा। तो तरीके दावत बदलता रहेगा, तरीके दावत जो है तरीके कार बदलता रहेगा। मक्की दौर का जो तरीका था मदनी दौर में दूसरा तरीका रहा। मक्की दौर में इंफिरादी दावत थी, वहां इज्तिमाई काम नहीं था, वहां इज्तिमाई काम मस्जिद में काम करने का हालात नहीं थे वहां पर। तो मक्की जिंदगी का तरीका अलग था दावत का और मदनी तरीका अलग था, वहां इज्तिमाई काम हुआ, मस्जिद के अंदर काम हुआ। फिर दौरे सिद्दीकी का तरीका अलग रहा, दौरे फारूकी का तरीका अलग रहा, दौरे उस्मानी का, दौरे अलवी का, हर दौर का तरीके का दावत बदलता रहेगा। तो एक है तरीके दावत मकसूद नहीं है, ये तो सबब है मकसद पर आने के। तो तरीके दावत हालात के अतबार से, माहौल के अतबार से बदलता रहेगा, मिजाजों के अतबार से बदलता रहेगा। दावत का काम हर जमाने में हुआ है, तभी तो हम तक दीन पहुंचा है। कभी इंफिरादी हुआ, कभी इस्तेमाई हुआ, कभी इलाके के अतबार से हुआ, कभी मुल्कों के अतबार से हुआ, कभी कौमों के अतबार से हुआ, जैसे हालात है वैसे काम हुआ। तो इस जमाने में जो तरीकेकार है ये अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना सब इल्हाम फरमाया। और इस तरीके दावत में दो खसूसियतें हैं, ये काम इज्तेमाई और आलमी है, आज तक इतना बड़ा काम नहीं हुआ। अपनी तारीख को उठाकर देखें 1500 साल की तारीख के अंदर कितना बड़ा काम इज्तेमाई तौर पर नहीं हुआ है। हजरत मौला के असर की फिक्र और कुलन की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इज्तेमाई और आलमी मेहनत अल्लाह ने उन पर खोल दी। आज दुनिया को कोई मुल्क नहीं, कोई इलाका नहीं, कोई बस्ती नहीं जहां पर ये गश्त नहीं, तालीम नहीं, मशवरे नहीं, मुलाकातें नहीं, हर जगह पर ये काम हो रहा है। तो ये काम इज्तेमाई और आलमी है। और दूसरी खुशूस इस काम की है, इस काम में नकलो हरकत है, हर एक को कहा जाता निकलो, चाहे मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, शहरी हो, देहाती हो, अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, आमी हो,
हर एक को कहा जाता निकलो, नकलो हरकत, ये इस काम की खसूसियत है। तो एक है तरीकेकार, तो नकलो हरकत जरूरी है। नकलो हरकत पानी चलता रहता साफ रहता है, अगर पानी रुक गया तो पानी के अंदर फसाद आएगा, बिगाड़ आएगा। काम करने वाले चलते रहेंगे तो हमारे अंदर इसलाह होती रहेगी। जब उम्मत रुक गई तो उम्मत के अंदर फसाद आ गया, बिगाड़ आ गया। आज उम्मत के अंदर जितना बिगाड़ है, फसाद है, वो नकलो हरकत निकलने की वजह से। जब उम्मत दीन के खातिर फिरेगी, दीन को लेकर नकलो हरकत करेगी, तो फरमाया तो उम्मत के अंदर दीन आएगा और दीन का माहौल बनेगा। जब तक उम्मत दीन को लेकर दुनिया में फिर रही थी, दीन दुनिया फैल रहा था, कौमों की कौमें, इलाकों के इलाके, मुल्क के मुल्क इस्लाम के अंदर आ रहे थे, और जब से नकलो हरकत निकल गई तब से उम्मत में से दीन निकल गया। तो नकलो हरकत ये जारी पानी की तरह है, पानी चलता रहता है, पानी साफ रहता है, पानी रुक गया पानी खराब हो जाए। फरमा दाई की मौत, दाई रुक गया दाई की तरक्की रुक जाएगी। काम करने वालों के अंदर जो बिगाड़ आता है वो रुकने की वजह से आता है। तो चलते रहेंगे, खुद भी साफ रहेंगे और हमें अल्लाह ताला दूसरों की सफाई का हिदायत का जरिया बनाए। तो नकलो हरकत इस काम की खुसूसियत है। हर एक को कहा जाता निकलो, और जब ये उम्मत रुकेगी तो उम्मत पर से अल्लाह की मदद हट जाए। अल्लाह के रसूल फरमाए, जब मेरी उम्मत गाय गरु की दुम पकड़कर खेती बाड़ी के अंदर मगन हो जाएगी और दीन की मेहनत को छोड़ देगी, अल्लाह ताला इस उम्मत को, इस उम्मत पर जिल्लत को मुसल्लत कर देगी। आज उम्मत पर जिल्लत है वो दीन की मेहनत छूटने की वजह से, और दीन की मेहनत के अंदर नकलो हरकत, चलना फिरना, निकलना निकलना। हजरत मौलाना साहब कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास की तफसीर में फरमा देते हैं, ये उम्मत निकाली गई है निकालने के लिए, ये उम्मत निकाली गई है निकालने के लिए। एक तो घरों से निकलना है, और असल निकलना किससे है? हजरत मौलाना यूसुफ साहब अंतरम हयात साहब के अंदर बाप कायम किया है, खुरूज में ना धावा, ख्वाहिशात से निकलना, ये असल निकलना है। एक तो घर से निकलना, और एक जहालत से निकलना, बेदीनी से निकलना, और असल निकलना ख्वाहिशात से। आज हम ख्वाहिशात के बंदे, नफ्स के बंदे, जो जी में आता वो करते हैं, दावत का काम भी कर रहे हैं, ख्वाहिशात के ताबे, मर्जी के ताबे चल रहे हैं, ख्वाहिशात के ताबे चलते रहेंगे, कयामत तक भी चलेंगे, हमारी इस्लाह नहीं होगी। दावत के काम में अपने आप को मशवरे के ताबे करना, जहां रुख मिले जो साथी साथ मिले उनको लेकर चलना, यानी कि अपने मर्जी के साथ ही अपने मर्जी का रुख। आज हर एक चाहता अपनी मर्जी के साथ ही अपनी मर्जी का रुख, जो जी माता करता जो मशवरे से बताया जाए वो करने को तैयार। तो असल निकलना ख्वाहिशात से निकलना, खुरूज में ना हवा, ख्वाहिशात से निकलना। आज हम ख्वाहिशात के बंदे हैं, नफ्स के बंदे हैं। तो नफ्स के बंदे बनकर कुछ भी करेंगे, झाड़ भी देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो असल तो अल्लाह का बंदा बनना है। अल्लाह का बंदा वो है कि जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं, जो मेरा रब चाहे, जो मेरा मौला चाहे। तो एक है मकसद कार, और एक है तरीके कार। इस काम का मकसद क्या है, ये हर काम करने वाले के सामने होना चाहिए। हजरत मौलाना फरमा देते हैं कि मुझे काम करने वालों पर खतरा महसूस हो रहा है, काम नहीं हो रहा, समझें कि काम हो रहा है। फरमाए काम नहीं कि बड़े बड़े इज्तम हो और जमातों की जमाते निकले, फरमाए काम नहीं, हमें सोने वालों को जगह नहीं, सोना है अब नहीं, सोने के लिए वो दवाई खाते हैं, टिकिया खाते हैं। तो सोना कोई हेल्प की बात नहीं है, नींद तो नेमत है, नींद नेमत है, कोई हेल्प नहीं, लेकिन नींद नींद के वक्त करनी। हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम जब बुखारी का दर्श देते तलबा को उंगाते थे, तो फरमा देते तो मैदान कारजार में उंगा नहीं चाहिए। साहबा को मैदान कारजार में उंगाती थी, घोड़ों पर तीर और तलवार चलते थे, दुश्मनों के मुकाबले पर होते थे और साहबा को उंगाती थी, इसलिए कि साहबा मौत से नहीं घबराते थे। साहबा दुआ करते थे हमें अल्लाह शहादत नसीब करे ताकि हम अपने घर चले जाए, अल्लाह से मुलाकात करें। साहबा राय खुदा में निकलते थे शौक शहादत से,
तो उनको मौका दे दी मैदान का हजार में। फरमाते थे बयान में तालीम में नींद कार्य गफलत है, ये क्या गफलत, मैदान कारजार में नहीं जानी चाहिए। सहाबा को मैदान कारजार में घोड़ पर उंगा रहे, तीर तलवार चल रहा है, तो फरमाया वो सुकून है। तो नींद आना है वो नहीं, मगर जागना है। हजरत उमर साहब फजर के बयान में फरमा देते, जागना है जाग ले, अखलाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले। हजरत उमर साहब की कब्र पर भी शेर लिखा हुआ है, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा। ये दुनिया तो है जागने के लिए, हम मेहनत करते हैं, दुनिया है टेस्ट, फिर कब्र में है रश्त और जन्नत है रश्त। हमारा रश्त कहां पर है, कब्र के। दुनिया में तो मेहनत करके अल्लाह ने मेहनत के लिए भेजा है, यहां तो अपने आप को थकाना है दिन की मेहनत के, फिर कब्र में आराम है और जन्नत में फिर हमेशा ऐश करते हैं। ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जन्नत है, यहाँ तो जरूरत पूरी करते हैं, जरूरत का खाना, जरूरत की चीजें, मकसद तो हमारा दिन की मेहनत है, पर अल्लाह हमारी दिलों की ख्वाहिशात जन्नत में पूरी करेंगे। फरमा दुनिया ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं है, ये तो जरूरत पूरी करने की जगह है। जो ख्वाहिशात के पीछे बढ़ेगा, ख्वाहिशात तो समंदर है, एक ख्वाहिश आएगी उसको पूरी करो, फिर दूसरी ख्वाहिश, फिर तीसरी ख्वाहिश, ख्वाहिशात का समंदर है, ख्वाहिशें खत्म नहीं होती है, तो बढ़ती रहती है ख्वाहिशात जो है, ये बढ़ती रहती है। इसलिए ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई, जन्नत में अल्लाह का मेहमान खाना है, सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। वलकुम फी आमाश तश्तई अनफुसुकुम वलकुम फी आमाश तदउन, जो तुम्हारे दिलों के चाहते अल्लाह पूरी करे और जो अल्लाह ने वादा किया पूरे करे। तो जन्नत है ख्वाहिशात पूरी करने की जगह, तो दुनिया तो जरूरत पूरी करने की, तो यहाँ तो जागना है, कब्र में क्या है फिर सोना ही सोना है। लेकिन अल्लाह वालों को बहुत नींद आती है, जमात में निकलते हैं वहां नींद खूब आती है। एक साथी कहना था जमात में इतनी नींद क्यों आती, जमात में देखो साथी रात को भी सोते हैं, फिर ताली में भी सोते हैं, इशराक के बाद भी सोते हैं, और जोहर के बाद कहरुल्लाह वो तो लाजमी जरूरी, और इतना सोते हैं कि जोहर के बाद की तालीम भी खत्म। जमात में निकल कर भूख भी ज्यादा लगती है और नींद भी ज्यादा आती, भूख भी ज्यादा लगती, खाना सदा होता है मगर उसमें लज्जत होती है। लज्जत तो अल्लाह पैदा करते खाने के अंदर, लज्जत आएगी लज्जत ही नहीं है। फरमाते थे दाल मांगी बनी इसराइल ने बड़ी तबीब वालों के जिम्मे, मदरसे वालों के जिम्मे, दाल बड़ी किसके जिम्मे, मदरसे वालों को तबलीग वालों के जिम्मे। एक कहने लगा भाई तबलीग वाले दाल खाते रोते रहते, इनको क्या हो गया, तबलीग की दाल मशहूर दाल जल्दी बनती है, तो जरूर पूरी करनी है आपको। अल्लाह के रास्ते में निकालकर इसकी मश कराई जाती है कि बताओ मुसलमान का मकसद जिंदगी क्या है, मुसलमान को कैसे जिंदगी गुजारनी। अब जमात की जिंदगी जो होती है वो इस्लामी जिंदगी होती है, सुन्नत शरीयत वाली जिंदगी। जमात में मुख्तसर से कपड़े, मुख्तसर सा बिस्तरा, मुख्तसर सा सामान तोशा होता है। और मैं दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर गुजारता है, मुसाफिर के बाद थोड़ा सा तोशा होता है जमात में, और 10-12 साथी एक ही सेट है उनका, और घर में देखो कितने सेट है, टी सेट अलग है और लेमन सेट अलग है, डिनर सेट अलग है, जूस सेट अलग है, पता नहीं कितने सेट है घर में, और जमात में एक ही सेट है उसमें सारे सेट आ गए। ये डिनर सेट भी है, ये टी सेट भी है, ये लेमन सेट भी है, ये जूस का सेट भी है, एक ही लोटा है सारे काम आता है, दूध इसमें लाओ, चाय भी इसी में दो, वजू भी इसी से करो, इस्तिंजा भी इसी से करो, एक ही लोटा है सारे काम उसी से चलता है। तो जमात में सुंदर वाली जिंदगी होती है, कपड़े देखो मुख्तसर से सूट, 2-4 सूट होते हैं साथ, बिस्तर थोड़ा सा होता है, और घर में देखो बिस्तरों का ढेर पड़ा है, कपड़े देखो जैसे कपड़ों की दुकान है, और घर में जूते इतने जूतों की दुकान है, और जमात में कितने जूते सारे हैं, एक ही जूता चल रहा है, वही सारा काम आ, घर में ऑफिस का जूता अलग है,
बाथरूम का जूता अलग है और फिर अंदर का जूता अलग, बाहर का जूता अलग, सर्दी का अलग, गर्मी का अलग, बारिश का अलग, बर्फ का अलग, किस्म किस्म के जूते घर में होते। तो जमात की जिंदगी बहुत सादी जिंदगी होती, ये चिल्ले चार में ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारनी। मुसलमान दुनिया में ऐसा ही, जैसे हमारे बकरवाल भाई होते हैं जो बाहर से गुजर भाई आते हैं, उनका देखो जिंदगी कैसे चलत फिरत में होते हैं, वो नकल हरकत में आरोप रहते हैं, वो किसी से मुतासर नहीं है। सारी दुनिया बदल गई लेकिन वो नहीं बदले, दुनिया से इधर उधर, उनका तर्ज जिंदगी एक ही है, उनकी बिल्कुल सादी जिंदगी है। मुसलमान को हर वक्त चलत फिरत में, नकलो हरकत में, और हर वक्त उसकी जिंदगी सादी जिंदगी। लेकिन आज हम हमारी जिंदगी का रूप बदल गया, मकसद जिंदगी बदल गया। तो एक है तरीकेकार, दावत का तरीकेकार, और एक है मकसदेकार, दावत का मकसद। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह से पूछा गया, हजरत आप इस मेहनत से क्या चाहते हो? फरमाया इस मेहनत से चाहते हैं कि उम्मत उस सतह पर आ जाए जिस सतह पर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया पूरी उम्मत का पूरा दीन जिंदा करना, यह हमारा मकसद है। फिर फरमाया एक जमाना काम करने वालों को मुझे खतरा महसूस हो रहा है, काम नहीं हो रहा था, समझे कि काम हो रहा है, काम नहीं, बड़े बड़े इज्तम जमात काफलों की जमात की जमात निकली। फिर फरमाया काफलों की चलत फिरत हमारे काम में अलग देते हैं। फरमाया काम यह है कि काम करने वालों में छह सिफात आ जाए, काम करने वालों की जिंदगी शरीयत और सुन्नत पर आ जाए, ये इस काम का मकसद है। मकसद कार तरीके कार के मुजाकरे होते हैं मगर मकसद कार के मुजाकरे, इस काम का मकसद है कि 100% दिन हमारी जिंदगी में आ जाए, हम दिनदार बन जाए, हमारी ईमानिया इबादत माशरत अखलाक सारी लाइनें हमारी सही हो जाए, पांच लाइनें सही हो गई आदमी दिनदार हो गए। इबादत वाला दिन आसान है, मस्जिद वाला दिन आसान है, असल दिन मामला का माशरत का है, लेन देन हमारा, रहन सहन हमारी, शादी गमी हमारा, मरना जीना हमारी, ये जिंदगी सही बाहर वाली जिंदगी सही हो जाए। मस्जिद वाला दिन आसान है, इबादत वाला दिन आसान है, असल दिन हमारी कमाइयों में आना चाहिए, हमारी कमाइयां पाकिजा होनी चाहिए, हमारे मामला सही होने चाहिए। फरमा दिन इबादत के रास्ते से आता है और मामला की खराबी से दिन निकल जाता है। ये काम करने के मामला सही होंगे तो इज्तिमाइयत पैदा होगी, हमारी माशरे सही होनी चाहिए। इस काम का मकसद हमारी जिंदगी में हम दिनदार बने। फरमाया तबलीगी बनना आसान है, चार मिनट लगाओ हम पर स्टैंप लग गया भाई अल्लाह वाला है तबलीगी, ये दावत वाला है। हम कहेंगे हम नहीं, मगर लोग कहेंगे नहीं तुम पर चार मिनट लगा है, मोहम्मद साहब भी चार मिनट लगा है, ये तबलीगी बन गया भाई अल्लाह वाला। तबलीगी बनना आसान, जिंदा बनना मुश्किल, जिंदा बनना है। हमारी जाती जिंदगी शरीयत सुन्नत वाली हो, हमारे मामला माशरत सही होने चाहिए, हमारा लेन देन सही होना चाहिए, हमारे के बाहर की जिंदगी सही हो जाए। ये दावत की मेहनत का मकसद है कि हर आदमी दिनदार बने, और अल्लाह की मदद दीन पर है। अल्लाह की मदद किस पर है? अल्लाह की मदद जमात के साथ है कि जमात बना हो तबली की जमात मदद आएगी, तबली बन जाओ मदद आएगी, दिनदार बनने पर अल्लाह की मदद है। हमारी जाती जिंदगी इंफिरादी जिंदगी शरीयत और सुन्नत वाली, हजरत मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं हर एक पर अपनी जाति इस्लाह फर्ज है। जैसे कपड़े पाक रखना हर एक के लिए जरूर नमाज, बदन को साफ रखना, वैसे अपनी जाति जिंदगी पाक साफ रखना, अपनी जाति इस्लाह, यह हर एक पर फर्ज है। हर एक पर क्या है? तो दावत का काम करना है और अपने को चेक भी करना है, कभी हमारे अंदर कितना आ रहा है, हमारे मामला माशरत कितने सही हो रहे हैं, हमारे अंदर तकवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तकवे वालों को अल्लाह कबूल करेगी, बगैर तकवे के आदमी कबूल नहीं होगा, और तकवे तकवा होगा तो अंदर में डर होगा, काम करेगा और डरेगा, काम करके फकर नहीं करना, काम करके शाबाशी नहीं चाहना, बल्कि काम करके डरना है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। काम सारे सहाबा दुनिया से रोते हुए गए तकवे की वजह से, सारे सहाबा दुनिया से रोते हुए
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का तक्वा मशहूर है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हंसते वापस तशरीफ ला रहे थे और 15वीं ज़िलहज थी, चांदनी की रात थी। एक मकाम पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रेगिस्तान रेत पर लेट गए, चांदनी रात थी, और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अब मेरी रियायत बहुत फैल गई है, अब मैं जिम्मेदारी उठा नहीं सकता हूं, लिहाजा मुझे अपने पास बुला ले। और दुआ की, अल्लाह रसूलि शहादतन फी सबील वफातन फी बलद रसूली, अल्लाह मुझे शहादत का फरमा और जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत अता फरमा। फरमाते दो मुतजाद चीजें हजरत उमर ने मांगी कि शहादत भी और मदीने की वफात भी। पर मदीना दारुल इस्लाम है, वहां कैसे शहादत नसीब होगी? लेकिन हजरत उमर की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। अभी सिर्फ हंसते वापस आ रहे, 15वीं ज़िलहज चांद की रात है और उस वक्त हजरत उमर रेत पर लेट गए और फरमाया, अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं ज़ईफ हो गया, मेरी रियायत बहुत फैल गई, अब मैं जिम्मेदारी उठा नहीं सकता, मुझे अपने पास बुला। चुनांचे हंसते वापस आया और ज़िलहज के आखिरी दिनों में आप फजर की नमाज पढ़ा रहे और दुश्मन ने आपको खंजर मार दिया नमाज के, और हजरत उमर को जख्म आ गए, जख्मी हो गए। नमाज के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह अमीर उल मोमिनीन फजर की नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ाते पढ़ाते अक्सर रोते थे, नमाज के अंदर हिचकिया बन जाते थे। हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे, दुश्मन ने आपको खंजर मारा, लेकिन सहाबा ने नमाज नहीं तोड़ी। हजरत उमर तड़प रहे और पीछे से दूसरे सहाबी आगे आकर नमाज अदा कर रहे, अमीर उल मोमिनीन की लाश पर तड़प सकती है लेकिन नमाज नहीं टूट सकती। ये नमाज की अहमियत है, नमाज अल्लाह का हुक्म है, सारे सहाबा नमाज में मशगूल है, हजरत उमर तड़पते रहे। नमाज के बाद हजरत उमर जख्मी हो गए और उसी जख्म के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत भी हुई और उस जख्म से बार बार उनको गशी तारी और नमाज के लिए बेदार किया जाता और उसी जख्म के अंदर हजरत उमर की शहादत हुई। तो आखिर में उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की गोद में हजरत उमर का सर था, हजरत उमर ने आंखें खोली, अब्दुल्ला मेरे सर को जमीन पर रख दे, मैं दिल का सिंहासन बिछाना चाहता हूँ, मेरा सर जमीन पर गर्द आरूढ़ हो रहा हो, अल्लाह ताला को उस पर रहमत है। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमा, अब्बा जान आपका सर है और मेरी गोद इसमें क्या हालत है? फरमाया, नहीं, मैं दुनिया से सहार में जाना चाहता हूँ, मेरा सर जमीन पर गर्द आरूढ़ हो रहा ताकि अल्लाह को उस पर रहमत चाहे। और फरमाया, अब्दुल्लाह जब मेरी रूह निकल जाए तो आप, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजा तैयार हो जाए, जरा मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे 10 के करीब हजरत आयशा का जो हुजरा है वहां मेरी लाश मेरे मैयत को ले जाना और वहां जाकर अर्ज करना अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कि अम्मा जान उमर चाहता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दफन किया जाए। ये उमर की ख्वाहिश है, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहता, उमर इब्न खत्ताब की ख्वाहिश है। हजरत उमर ने जब जनाजा तैयार हुआ उनको ले जाया गया और हुजरे के करीब हजरत अम्मा जान आयशा के हुजरे के करीब वहां जाकर अर्ज किया गया तो अम्मा जान आयशा ने फरमाया कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी लेकिन मैं अपने ऊपर हजरत उमर को तरजीह देती हूँ। चुनांचे हजरत उमर को जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन किया गया। हजरत उमर इतनी दीन की मेहनत करके, इतनी कुर्बानियां देकर और इतने तकलीफ अल्लाह से रो रहे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, जिंदगी का हिसाब दे। तो काम करके हमारे अंदर तकवा आना चाहिए, तन्हाई में अल्लाह से डरना। हजरत सहाबा तन्हाई में अल्लाह के सामने खड़ा होने से रोते थे, डरते थे, और मजमों के अंदर आप मुस्कुराते थे लेकिन तन्हाइयों के अंदर आप डरते थे। ये दावत का काम अल्लाह ने दिया, इस काम के जरिए हमारा तकवा बढ़ना चाहिए। बगैर तकवे के आदमी गुना से बच नहीं सकता, गुना से बचाने वाला अंदर का तकवा है। तो काम करना, अपने को जज करना है, सही काम करेंगे और काम पूरा करेंगे, इस काम में अल्लाह ने तासीर रखी है कि आदमी के अंदर तकवा पैदा होगा। फरमाया, अगर 40 दिन सही लगेंगे तो आदमी वापस नहीं आएगा 4 महीने से पहले, अगर आएगा रोता हुआ आएगा, इस काम की तासीर है। अगर 40 दिन निकलेगा, अगर काम सही किया, अमल सही किए, सारे अमल पूरे किए, मेहनत पूरी की, तो 4 महीने से पहले वापस लौटेगा, अगर आएगा तो रोता हुआ आएगा। फरमाया, 3 दिन सही लगेंगे तो आदमी चिल्ले से पहले वापस नहीं आएगा, अगर आएगा तो रोता हुआ वापस आएगा। 4 महीने सही लगेंगे तो आदमी अंदर तकवा पैदा होगा, जिंदगी अगर सही हो जाए। अल्लाह ने काम में काम फरमाया, इस काम का मकसद भी हमारे सामने होना चाहिए।
और तरीके कार भी सीखना और समझना और करना। आज जमाते तो बहुत निकलती है, पहले जमाते थोड़ी निकलते फिर बनकर आते थे। वजह ये थी कि जमातों में निकल आदमी अमल पूरे करते थे, आज वक्त पूरा करते अमल पूरे नहीं करते। 40 दिन के अतबार से सारे अमल करने, 40 दिन गश्त करने, अरकाली में बैठना, 40 दिन के अतबार से 5 वक्त की नमाज तक छोड़ा से पढ़ना। अल्लाह ने काम में आज वही तासीर रखी है, मगर काम पूरा होना चाहिए, काम सही भी हो और पूरा भी, सही नहज पर हो, सही नियत के साथ हो और काम पूरा हो। तो अल्लाह ने हमें जबरदस्त काम अता फरमाया, अल्लाह ने हमें इस काम के लिए कबूल किया है, हमें इस काम की कदरदानी करनी है। इस काम की कदरदानी क्या है कि काम के तकाजों को नंबर 1 पर करना और घर कारोबार के तकाजे नंबर 2 पर करना, ये इस काम की कदरदानी है। और अपने घर कारोबार के तकाजे, दुनिया के तकाजे नंबर 1 पर करना, दावत को नंबर 2 पर करना, ये इस काम की नाकदरी है। और कदरदानों से फरमाया, कदरदानों को अल्लाह देते हैं दिल, नाकदरों से लेते हैं छीन। अल्लाह तआला मोहताज नहीं है, इस काम में अल्लाह ने लगाया, इस काम की कदर करेगा अल्लाह उसे काम भी लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। नाकदरी करेगा तब मेहनत करेगा, और दावत का जो काम करेगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया में बनाएंगे, आखिरत में बनाएंगे। सबसे पहले अल्लाह दुनिया में उसको दिल का चैन अदा करता है, जिस काम में लगता है सबसे पहले दिल में चैन सुकून। दूसरा, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालेंगे। तीसरा, अल्लाह ताला उसके दिल में बरकत देगी, थोड़े माल में बरकत होगी, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं, माल की कसरत मत मांगो, माल की बरकत मांगो। और इस काम को करेंगे अल्लाह ताला सबसे पहले दिलों में सुकून, सेहत, मिनान। फरमाए, दावत का काम टेंशन प्रूफ काम है। दुनिया में पावर, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, फायर प्रूफ, ये दावत का काम टेंशन प्रूफ। जो दावत का काम करेगा अल्लाह ताला उसके सारे मसाइल को हल करेंगे, ये भी तरीके से उसके मसाइल को हल करेगा। और इस काम को नहीं, इस काम के लिए वक्त खाली नहीं करेगा। हदीस कुदसी है, आदम की औलाद मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, वरना मैं तेरे दिल को सैकड़ों किस्म के तफक्कुरात से भर दूंगा और तेरे फख्र को जाहिर नहीं करूंगा। जो दीन की मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसके तमाम फिक्रों से आजादी नसीब करेगा और उसको फकर का खौफ नहीं होगा, वरना कमा कमा कर कंगाल होगा। एक बादशाह, उसके वजीर, बादशाह ने वजीर को पूछा, हमारे पास कितना खजाना है, हमारे पास कितना माल है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, हमारे पास इतना खजाना, इतना माल है कि हमारी सात, आपकी सात नस्लें तक खाती रहेगी, तब भी खजाना खत्म। दूसरी बार बादशाह को देखा, बादशाह बड़ा गमगीन बैठा है, तो वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत क्या बात है, गम में क्यों बैठे। कहा, इसलिए गम में बैठा हूं कि सात नस्लें को हमारे खाए के लिए आठवीं नस्ल का क्या होगा, ये फकर का खौफ है, आठवीं नस्ल के टेंशन में बैठा है। तो दावत का काम करेंगे अल्लाह ताला फकर का खौफ खत्म कर देंगे और दिलों में अल्लाह ताला कोई कम टेंशन नहीं होगा। ये टेंशन प्रूफ काम है। जो काम करते हैं उनके पास जाकर बैठो, अच्छे से ख्वाब सुनाएंगे, ख्वाब में बशारत है, हमने ऐसा ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब देखा, और अल्लाह की मदद है। और जो काम छोड़कर बैठे उनके पास जाओ, उसे परेशानियां सुनाएंगे और बुरे बुरे डरावने ख्वाब आते होंगे, बुरे बुरे ख्वाब। काम छोड़ा है, ख्वाबों के अंदर परेशान, बुरे बुरे ख्वाब, और उनका हालत ही हालत, परेशानी है परेशान, बीमारियां, परेशानियां, टेंशन, मसाइल, एक बीमारी खत्म दूसरी, कभी खुद बीमार, कभी बच्चे बीमार, बीवी बीमार, मसाइल पर मसाइल, हालात अल्लाह की तरफ से आते। अगर अपनी दावत का काम जिम्मेदारी के साथ करेगा और अपना जाती काम बनाकर करेगा, अल्लाह ताला हर परेशानी को निजात देगी, वरना सारी दुनिया परेशान है। इसको मुलाकात करो, क्या हालत, हाल ठीक नहीं, परेशानियां, मसाइल है। जब दीन की मेहनत छोड़े तो मसाइल तो आएंगे, जब दीन का काम करेंगे ना सारे मसाइल को हल करेंगे। तो दावत के काम को अपनी जिम्मेदारी समझ कर करना, वरना इस काम को नंबर 1 पर रखना है, बाकी सारे काम नंबर 2 पर। जैसे दुनिया के कामों का नंबर 1 पर हम रखते हैं, दुनिया के सारे तकाजे हमारे लिए
आसान, हर काम के लिए वक्त है, लेकिन दावत के काम को जब मर्जी तब किया, जब मर्जी तब छोड़ दिया, जब मर्जी तब जमात में निकले, जब मर्जी तब छोड़, नहीं निकले। ये मर्जी वाले तबलीग में चलते रहेंगे तो इससे ना अपनी जात को फायदा, ना हमारे जरिए दूसरों को फायदा, अपने आप को तबे करना, मशहूरों के दावे जो हमारे लिए तय हो जाए, और इस काम को अपना जाति काम बनाना, दुकान का काम अपना जाति काम, दफ्तर का काम जाति काम, खेत का काम जाति काम, और तबलीग का काम जिम्मेदारों का, मशवरे वालों का काम, धलाने साहब अमीर साहब का काम, भाई दावत का काम जाति काम बनाना। फरमा इस काम में मालिक बनकर करो, नौकर बनकर नहीं। फरमा नौकर तो टाइम देखता है, जनाब 4 बजे में चला, लेकिन मालिक दुकान पर बैठा है, टाइम नहीं देखेगा। भाई ग्राहक अभी आ रहे, अभी जो आ रहे, दुकान खुले रखेगा, खाना भी दुकान पर मंगवाएगा, वहीं खाकर बैठकर खाता है। फरमा मालिक बनकर काम करो, नौकर बनकर नहीं। आज दावत का काम कर रहे, नौकर तो टाइम देखता है, लेकिन मालिक क्या देखता है? तकाज़ा से तो मेरा काम है, जब तक काम है पुराने होगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, जब तक आराम नहीं करें तब तक घर नहीं जाएंगे। तो दावत के काम को मालिक बनकर करना, जो जिम्मेदारी उठाएगा अल्लाह उसके बगैर उसकी मदद करेंगे, और जो जिम्मेदारी से पीछे हटेगा अल्लाह ताला की मदद से महरूम हो जाए। इस काम में जिम्मेदारियां लेनी है। फरमान मोमिन की मिसाल नकील पड़ा हुआ ऊंट, ये मोमिन की मिसाल हदीस में बयान की, ये मोमिन क्या है? नकील पड़ा हुआ ऊंट है। ऊंट के अंदर क्या है? इस ऊंट में नकील पड़ी है, उसके हाथ उसको रस्सी लगी हुई है, छोटा बच्चा भी खींचेगा तो उसके पीछे चलेगा। तो मोमिन की मिसाल नकील पड़ा हुआ ऊंट, ईमान वाला जो है ऊंट जो है बोझ भी उठाता है और ताबेदारी भी करता है। ऊंट अपने पर बहुत बोझ लेता है और फिर ताबेदारी भी करता है, थोड़ा ईमान वाला जो है वो जिम्मेदारी भी लेगा, अपने पर बोझ भी उठाएगा और इतात भी करेगा। मोमिन की मिसाल बयान की, इसलिए जिम्मेदारी को उठाना है, जमात निकालने की मेहनत करनी है। ये नहीं कि हमें क्या कोई जमात निकले हम भी जुड़ जाएंगे, भाई लगे चले जाएंगे, हमें क्या करना, दौड़ दौड़ करनी है, मेहनत करनी है, अपने आपको पुकारना है अल्लाह के लिए, अल्लाह के अल्लाह का काम है और अल्लाह से इनाम लेना है। जो मेहनत करेगा, जो पुकारेगा, दौड़ करेगा, अल्लाह से उसको इनाम मिलेगा। दावत का काम ये कार्य है, वो कुर्बानी से चलता है, ये काम चालाकी से नहीं चलता है। और फरमाया कार्य है वो इसके अंदर जान को चुराना है, जान को लगाना है, जान चुराने वाला रास्ता नहीं, जान लगाने वाला रास्ता। और अल्लाह ताला देख रहा है कौन कितना कर रहा है, अल्लाह ताला ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह देख रहे हैं कौन कितना कर रहा है, कौन अपने जज्बात को अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर रहा है, कौन किस काम को जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, कौन अपने आप को थका रहा है, कौन अपने आप को बचा रहा है, कौन चालाकी कर रहा है, ये तो अल्लाह देख रहे हैं। ये काम अल्लाह का है, अल्लाह की नजर सब पर है, जो जितना करेगा अल्लाह के वहां से इतना इनाम मिलेगा, और जो जान चुराएगा वो महरूम होगा। इसलिए अपने आप को इस वक्त हमारे इलाकों के अंदर निकलने का सीजन है, लोग तैयार हैं, साल भर तश्कीलें होती हैं। अभी वजरबाग में बड़ा इज्तम था, 7-8 हजार का मजमा आया, सबने वहां जाए मिला देखी, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है घर घर जाना, दर दर जाना और एक एक मिन्नत समाजित करना और हरेक को तैयार करना, हरेक को तरगीब देना, तश्कील करना। जितने दौड़ करेंगे, जितने मेहनत करेंगे, उतना अल्लाह के वहां से इनाम मिलने वाला है। इसको अपने इलाकों के अंदर सारी अपनी मेहनत को बढ़ाए, कुर्बानी को बढ़ाए, और फरमाए दाई के दिल में वसत होनी चाहिए। हमारे दिल में किसी की नफरत नहीं, पर दाई के दिल में जिस नफरत होगी, दाई उसकी हिदायत का जरिया नहीं बन सकता। फरमाए गुनेगार से गुनेगार मुसलमान को रहमत की दरगाह से देखने की हिम्मत करो। दाई का दिल हरेक के लिए साफ होना चाहिए, अपने महल बस्ती के अंदर हरेक के घर पर जाना है, हरेक के दरवाजे पर खड़ा होना है, हरेक की थोड़ी में हाथ डालना है, हरेक की मेहनत समाज करनी है, हरेक को तैयार करना है। ये नहीं कि जिसको निकलना है निकले, जिसको नहीं निकलना नहीं निकले। फरमाया जिनके दिलों में इस्तिग़ना होगा अल्लाह उनसे काम नहीं लेंगे। हमारे दिलों में एहतियात हरेक की हमें जरूरत है, हर ईमान वाले की हमें जरूरत है, और सारे हमारे हैं, हम सबके हैं। फरमाया का दावत वालों काम में, दावत वालों के अंदर ध्यानों में तंगी होगी तो इससे फिरका तो बनेगा, उम्मत नहीं बनेगी। दावत के काम करने वालों में गुस्सा होगी तो उम्मत बनेगी।
अगर जहरों में तंगी होगी तो फिर क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, उम्मत नहीं बनेगी। इस काम का तो उम्मत बनाना है और उम्मत में सारे फर्क खत्म। जनाब रसूलुल्लाह 23 साल नबूवत की जिंदगी में फरमाया, आपने उम्मत बनाई, आपने कोई जमात नहीं बनाई। ये इस काम का मकसद है। इससे हमारे जहनों में गुस्सा तो हर एक के दरवाजे पर जाना, हर एक की जोड़ी में हाथ डालना, हर एक की मेहनत समाज करना, अपने आप को मिटाना है। जो दीन के लिए जितना मिटाएगा, जितना छोटा बनेगा, अल्लाह उतना उसको बड़ा बनाए। सारे जिम्मेदार है अपने बस्तियों के अंदर चलत फिरत करे, मुलाकातें करे, एक एक के पास जाए, एक एक मेहनत समाज करे, जमात तश्कील करे, तैयार करे। जितना अपने आप को थकाएंगे उतना अल्लाह के वहां से इनाम मिलने वाला है। हमारे जरिए जितने लोग दिन पढ़ाएंगे, दिन की मेहनत कराने वाले, हमारे लिए आखिरत का जरिया बने, तो करेंगे इंशाल्लाह। तो हर मस्जिद से जमात बने, हर मस्जिद से जमात बने, हर जिम्मेदारी अपने को दिक्कत है, जरूरत की मस्जिद की जमात निकालो। दो उस मस्जिद से आए, दो उस मस्जिद से आए, ये चलने वाली जमात तो आसान है। असल अपनी मस्जिद की जमात बनाना, अपने महल्ले के अंदर अपनी बस्ती में खूब मेहनत करनी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।